विपिन, आप ये कैसे सोच सकते हैं? आखिरकार क्या आप वास्तव में हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? यहाँ पर करीम बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था। वो अपनी जगह से अब खड़ा हो चुका था और वह विपिन से कहता है, आप चाहे से कुछ भी कह लिए, आप वास्तव में हमारे लीडर हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँ कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप की जान दे दी थी। यहाँ तक कि अपने आप को इस तरह से पूरे हैवानियत के अंदर डाल दिया था कि जिसकी वजह से उनकी जीना रहना पूरी तरह से ओझल हो चुका था। आखिरकार पूरे मास्टर टीचर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, उसके चलते हुए यहाँ पर हम लोग बस गए थे। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि हम अपने पूर्वजों की उन सभी चीजों को यहाँ पर ऐसे भूल सकते हैं? नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। आखिरकार ये कितना बुरा होगा जब हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हमने हमारे पूर्वजों का नाक कटवा दी है। जो उन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया था वह पूरी तरह से काम से हट चुका है। आखिरकार वह सभी यहाँ पर हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो वह सभी कहेंगे, आ गए ना नाक कटवा के तुम लोग, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने कहा था कि मानव जाति के साथ में गद्दारी करो? आखिरकार हम लोगों ने यहाँ पर मानव जाति को उन सभी राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए अपने आप की जान दे दी थी। तुम इतना नहीं कर सकते थे, ऐसा अगर वो कहते तो मैं उनको यहाँ पर क्या जवाब दे सकता था? इस समय करीम की आंखें ज्वाला से जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि विपिन को वहीं पर ही वह भस्म कर देगा। तो वही विपिन कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा जल्दी यहाँ पर फैसला ले लिया है या आप लोगों को यहाँ पर जज कर लिया है। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं सोचा था कि आप लोग यहाँ पर मानव जाति के कल्याण के लिए काम किया करते थे, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। ये तो मास्टर टीचर्स ने मुझे बताया था कि यहाँ पर आत्मज्ञानी ऐसे हैं और वैसे हैं। वैसे यहाँ पर विपिन को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाहे से कुछ भी हो, अगर उसको आगे आने वाले समय के अंदर भी ऐसा कुछ करना पड़े ना, तो वो पीछे नहीं हटने वाला था। मानव जाति के साथ में वह कभी भी यहाँ पर दगा नहीं कर सकता था। अगर यहाँ पर मानव जाति के ऊपर कोई सवाल जवाब आता है तो उसके बाद में विपिन सबसे पहले उनके सामने आगे खड़ा होने वाला था। आखिरकार ऐसा है थोड़ी ना कि जहाँ पर उसको शक ना हो वहाँ पर वह जाकर ऐसा नहीं कर सकता था। आखिरकार शक के पीछे एक नींव होती है। अगर यहाँ पर ये सब कुछ असली हो जाता तो क्या ही हो सकता था। वही विपिन के ऐसे चेहरे को देखने के बाद में करीम थोड़ी सी मुस्कान के साथ में कहता है, वैसे यहाँ पर विपिन लीडर, वैसे आपने सही कहा है, आपने सही किया है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाना कि कैसे यहाँ पर आपने इतनी जल्दी इन सभी चीजों के ऊपर अपना निर्णय ले लिया है। आखिरकार आपका एक मेन मोटिव ये था ना कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने गलती से दगा कर भी देती या फिर इसके साथ में हम लोगों ने फिर से मानव जाति को यहाँ पर धोखे देने के बारे में सोचा भी होता तो उसके बाद में सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर खजाने की जरूरत पड़ने वाली थी और आपने पहले खजाने को पूरी तरह से ही खाली कर दिया था। करीम अभी विपिन के सारे इंटेंशंस को समझ चुका था। मानव जाति के लिए वो भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ करता अगर ऐसा कुछ उससे हो पाता तो, लेकिन वो तो यहाँ पर विपिन के दिमाग को दांत दे रहा था कि वास्तव में यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी वह इतने अच्छे से सोच पाने में कामयाब हो पाया था। वही दूसरी तरफ विपिन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह कहता है, ठीक है, मैं ना यहाँ से सब कुछ खत्म होने के बाद में वापस से सारी चीजें आपके खजाने की तिजोरी के अंदर रख दूंगा। उसके साथ में विपिन अब वहाँ पर उन सभी का मुखिया बनने के लिए मान भी जाता है। इसके अलावा सभी ने यहाँ पर विपिन को स्वीकार भी कर लिया था क्योंकि उसके पास में अभी यहाँ की जो गिल लीडर सील थी ना वो उसके पास में आ चुकी थी। उसके बाद में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उसकी बातों को वहाँ पर टाल सकते थे। इसके अलावा रही यहाँ पर सभी खजानों की बात, तो विपिन ने कुछ खजाने अपने पास में रखने के बाद में यहाँ पर सभी को वापस रख दिया था। आखिरकार आगे आने वाले समय के अंदर उसको इसका जरूरत पड़ने वाली थी और अब विपिन को यहाँ पर समझ में आ गया था कि आखिरकार सभी मास्टर टीचर्स ने यहाँ पर क्यों आत्मज्ञानी को इस तरह से छुपा कर रखा हुआ था। वह यहाँ पर नहीं चाहते थे कि आत्मज्ञानी को और ज्यादा प्रॉब्लम हो और यहाँ पर इनके बारे में राक्षसों को पता चल जाए कि किस तरह से यहाँ पर वह काम किया करते थे। उसके साथ में वह विपिन अब जल्दी से दिव्यांशी की तरफ पलटता है और दीपांशी से कहता है, दीपांशी तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी लड़की भी हो और इसके अलावा ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक मैनुअल लेकर आया हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पर अपने आत्मा से रिलेटेड सब कुछ लिख कर रखा हुआ है जिसके साथ में तुम आराम से अपनी आत्मा साधना को आगे बढ़ा सकते हो। उसके साथ में विपिन जल्दी से उसके एक बुक दे देता है और उसको देखने के लिए कहता है। उसके साथ में यहाँ पर दीपांशी चौंक जाती है, क्या कहा आपकी एक मैनुअल? ठीक है, एक बार मैं चेक करती हूँ। जैसे यहाँ पर दीपांशी उस बुक को चेक करती है कि अचानक से उसकी आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है। ये क्या है,
ये इतनी ज्यादा कीमती टेक्निक, वास्तव में ये बहुत ज्यादा कीमती टेक्निक थी। यहाँ पर अभी दीपांशु समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। उसके साथ में वो विपिन से कहती है, आपने मेरे को इतनी ज्यादा कीमती टेक्निक कैसे दे दी, यहाँ पर मुझे वास्तव में बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ही ले लेती हूँ तो आप मेरे को जो कहेंगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता ना करें। हाँ, अगर आप चाहें तो आप मेरे से अभी यहाँ पर सगाई कर सकते हैं। यहाँ पर दीपांशु ले रही थी। वैसे दीपांशु को अभी तक विपिन पूरी तरह से पसंद तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह अपने कबीले के अंदर इतना तो कर ही सकती थी ना, क्योंकि उसके पूर्वजों ने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, तो उसके बाद में उसका एक सेक्रीफाइस तो बनता ही था। और इस जगह पर दीपांशु ये भी जानती थी कि यहाँ पर चाहे से विपिन अभी दूसरे के साथ में हो या ना हो, लेकिन अगर वो चाहे तो उसको अपनी रखेल बनाकर भी रख सकता था, वह फिर भी मना नहीं करती। तो वह विपिन कहता है, क्या सगाई? नहीं, यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया है, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसी वैसी लड़कियों को नहीं पहचाना आता। वहाँ पर वो उससे कहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो मैनुअल अभी आपको मैंने दी है ना, ये कोई नॉर्मल मैनुअल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर आपको अभी बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ आने वाली है, चाहे से ये इजी है लेकिन आप इसको सही से नहीं सीख पाएंगी, इसके लिए मुझे आपको कुछ समझाना होगा। और इसी चलते हुए यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट बन जाइए। क्या स्टूडेंट बन जाइए? यहाँ पर दीपांशु को झटका लगता है। अब उसे समझ में आ गया था कि विपिन उसके ऊपर ही चाल चलने जा रहा था। उसने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि अभी ये उस बंदे का स्टूडेंट बनने जा रही थी जिससे वह संत अकेडमी के अंदर लड़ा था। जहाँ पर दीपांशु इसी तरह सोच रही थी ना कि अचानक से यहाँ पर आवाज सुनाई देती है, बेवकूफ लड़की ये क्या कर रही है, जल्दी करो, यहाँ पर तुम किसका इंतजार कर रही हो, जल्दी से सम्मान दो। यहाँ पर वह आवाज किसी और की नहीं थी, वह करीम की आवाज थी। आखिरकार ये बेवकूफ लड़की क्या सोच रही है कि यहाँ पर ये विपिन के इस आगे आने वाले चीज को यहाँ पर इस तरह ठुकरा सकती है। अरे ये क्या सोचती है पागल लड़की, आखिरकार क्या वास्तव में इसको समझ में नहीं आ रहा कि अगर इसने यहाँ पर ऐसे ही इस ऑफर को छोड़ दिया तो उसके बाद में उसके साथ क्या ही हो सकता था, क्योंकि आखिरकार विपिन के हर एक स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ना कुछ बन चुका था। हाँ, माना कि अभी दीपांशु उसका डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी वह यहाँ पर उसकी एक स्टूडेंट तो थी ही ना। वहाँ पर उसके सारे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर शैन कबीले के संत गर्भगृह यानी कि अकेडमी, यहाँ पर अलग अलग जगह के चीजों पर लगे हुए थे। इसके अलावा उसके स्टूडेंट्स की बात रही तो यहाँ पर कॉम्बैक्ट मास्टर होल, आत्मज्ञानी, जयर मास्टर, ग्लेशियर प्लेन कोट, यहाँ पर इन सभी चीजों के अंदर उसके सारे स्टूडेंट्स बिखरे हुए थे। और वह जानता था कि अगर दीपांशु वहाँ पर विपिन के संग्रहण के अंदर रहती है तो उसके बाद में आराम से वो भी एक नया लेवल अचीव कर लेगी। तो ये साथ में यहाँ पर दीपांशु अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, मैं तैयार हूँ। यहाँ पर दीपांशु तैयार हो चुकी थी। वहाँ पर वह जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है दीपांशु अपने टीचर को यहाँ पर सम्मान देते हुए। जैसे यहाँ पर दीपांशु करती है उसके साथ में यहाँ पर बैंग, जैसा कि यहाँ पर सोचा था। वास्तव में विपिन के दिमाग के अंदर एक झटका लगता है और स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर फिर से एक बुक बनकर आ जाती है। वास्तव में यहाँ पर अब मुझे जल्द से जल्द और भी ज्यादा स्टूडेंट्स बनाने होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर और भी ज्यादा चीजें बनने वाली है। अब मैं किसको अपना स्टूडेंट बना सकता हूँ, मुझे यहाँ पर सोच समझ के अपने स्टूडेंट बनाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मास्टर इंद्रसेन से बात करनी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट अनय को मेरे को दे दे, मैं उसको अपना स्टूडेंट बनाऊंगा और बड़े प्यार से रखूंगा। विपिन यहाँ पर अभी अपने ही तरह से बहुत से स्टूडेंट्स को ढूंढना चाह रहा था जो बहुत ज्यादा ही अच्छे हों, उनका मानसिक फल और यहाँ पर जो वो बात करने की स्टाइल होती थी वो पूरी तरह ठीक होनी चाहिए थी। आखिरकार वो घमंडियों को तो अपना स्टूडेंट कभी भी नहीं बना सकते थे। हाँ, माना कि विपिन लिया से थोड़ा सा घमंडी था, लेकिन वो भी अब सुधर चुका है, दिल से वो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। विपिन ये सोचते सोचते अचानक से अपने सर के ऊपर एक थप्पड़ मारता है। क्या विपिन, क्या सोच रहा है तू भी, यहाँ पर अपने जूनियर के स्टूडेंट को चीनने के बारे में सोच रहा है? अरे वह यहाँ पर अने, यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का एक स्टूडेंट है, अपने जूनियर का स्टूडेंट तू चीनेगा? छी, तेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती तेरे को किसी और के ऊपर। यहाँ पर विपिन इसी तरह से सोचने लगता है। वास्तव में कमीना विपिन किसी दिन बेचारे यहाँ पर इंद्रसेन के पास में जो एक स्टूडेंट है ना उसको भी चीन लेगा। लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक झटका लगता है। एक मिनट रुको, यहाँ पर ये क्या चल रहा है? मास्टर शेख के पास में भी तो यहाँ पर 3,000 से अधिक स्टूडेंट थे। हाँ, माना कि यहाँ पर उनके केवल डायरेक्ट स्टूडेंट थे जो वो बेहतरी थे, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट उनके 3,000 थे। यहाँ पर अब विपिन सोचने लगा था कहीं ऐसा तो है नहीं
कि यहाँ पर अभी मास्टर शेख ने उन 3000 स्टूडेंट्स का यूज करते हुए अपने लिए गोल्डन पेजेस इकट्ठा कर लिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पास में उस वक्त स्वर्ग की लाइब्रेरी थी? यहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अभी विपिन को ये पता था कि वास्तव में आगे आने वाले समय के अंदर उसको जल्द से जल्द यहाँ पर अब अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। उसको और सारे गोल्डन पृष्ठ चाहिए थे, यानी कि इसका मतलब ये था कि अगर वह 1000 या 2000 गोल्डन बुक्स भी बना लेना तो उसके बाद में आराम से वह आगे आने वाले प्राचीन संतों को तो ऐसे धूल के अंदर मिला लेगा। लेकिन विपिन इसके बारे में सोचता है, मुझे लगता है कि एक बार मुझे मास्टर शेख के बारे में देखना होगा कि क्या मास्टर शेख ने कभी अपने पास में कोई बुक रखी है, क्या उन्होंने कभी यहाँ पर अपनी बुक का कोई यूज किया है। अगर ऐसा है तो उसके बाद में उनके पास में स्वर्गीय लाइब्रेरी होनी चाहिए। विपिन अभी इसी का अनुमान लगा रहा था। वो ये सोच रहा था कि वास्तव में क्या मास्टर शेख के पास में लाइब्रेरी हो सकती थी जो उसके पास में थी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट के अंदर जरूर बताना। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन जो है दीपांशी को वह मैनुअल सिखा रहा था और उसको वह सब कुछ समझा रहा था। वास्तव में अभी उसको वह मैनुअल समझाते समझाते यहाँ पर रात से सुबह होने के ऊपर आ चुकी थी। कुछ ही समय के बाद में यहाँ पर शायद सुबह भी हो सकती थी। चलो ठीक है, मैंने दीपांशी को वह सब कुछ समझा दिया है जो उसको यहाँ पर आत्मसार को सीखने में काम में आने वाला है। लेकिन अब मेरा क्या, मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोचता है, क्योंकि वास्तव में उसको अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। वह ऐसा तो नहीं रह सकता था ना। उसके साथ में वो सोचता है कि शायद मुझे अपनी आत्मा को और ज्यादा पावरफुल बना लेना चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास में जो प्राचीन संत का वह राक्षसी पुतला था ना, उसको एक पुतला बनाना होगा, उसकी कठपुतली बनाकर रखना होगा। उसके लिए उसको कम से कम अपनी साधना को आगे बढ़ाना होगा ताकि उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सके। उसके बाद वो करीम को कहता है और एक जगह का पूरी तरह से निरीक्षण कर लेता है और उस जगह जाकर बैठ जाता है। और उसके बाद में उसके आसपास में कोई भी नहीं था, जिसके बाद वो जल्दी से यहाँ पर अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालता है और अपनी सारी सारी चीजें जो उसने यहाँ पर अभी इस ज्ञान कबीले से उधार ली थी उनको इधर उधर फेंक देता है। जल्दी यहाँ पर उनके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और सीधा विपिन के अंदर जाने लगती है। जल्दी विपिन की जो साधना थी यहाँ पर मजबूत होती जा रही थी। कुछ देर यहाँ पर अपनी साधना को मजबूत करने के बाद में आखिरकार विपिन एक जगह पर रुक जाता है। ये क्या है, आखिरकार हो क्या रहा है मेरे साथ में? लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी साधना को पूरी तरह से पहले सुदृढ़ करना होगा। विपिन यहाँ पर अपनी नींव को पूरी तरह से ताकतवर बनाए बिना ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो इसके अंदर बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अगर मैं अपनी इस साधना को ऐसे सुदृढ़ करने लगा तो उसके बाद में मुझे हर एक लेवल के ऊपर 2 या 3 दिन लगने वाले हैं। 2 या 3 दिन? ना 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 ना, 2 या 3 दिन तो यहाँ पर मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे कि मैं नर्क की सैर कर रहा हूँ। ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, मैं तो इतने दिन यहाँ पर जी ही नहीं पाऊंगा। यहाँ पर विपिन तो ऐसे बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अभी ये 2-3 दिन यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा दिमाग लगने लगता है। आखिरकार विपिन क्या ही कर सकता था? जो बंदा यहाँ पर 1-1 दिन के अंदर कहीं कहीं लेवल्स को अप कर लेता था तो क्या वो वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता था? लेकिन विपिन ऐसे भी आगे नहीं बढ़ सकता था। इसमें 2 चीजें थी, अगर विपिन यहाँ पर बिना सुदृढ़ करे अपनी आत्मा को आगे बढ़ा लेता है तो उसके बाद में क्या होगा, उसकी जो गति थी वो और ज्यादा धीमी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर पहुंचने के बाद में उसकी गति पहले से धीमी थी, और अगर ऐसे वो यहाँ पर और ज्यादा गलतियां करता रहा तो उसके बाद में यहाँ पर वह फिर महीने 2-2 महीने के अंदर अपनी साधना आगे बढ़ा पाएगा। इसी वजह से विपिन यही सोच रहा था कि अभी क्या करे। लेकिन